जो कदम उठाने जा रही, उसे उठाने की शक्ति मुझे अकेले में नहीं है। आप ही के भरोसे में आगे बढ़ते जा रही हूं। मैं बस चाहती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखिए। भगवान मुझे से शादी करने की आशा करते हैं। मेरा मन किया इसलिए, और अगर तुम्हें इस शादी से कोई तकलीफ है तो तुम जाकर अपनी माँ को बोल सकते हो कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं। ये जो इनकार से इकरार तक का सफर तुमने तय किया है, मैं समझ रहा हूँ कि शादी के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा मकसद है, लेकिन अब तुम मेरी बात समझ लो। हाय प्रियंका, अगेन वेलकम टू जस्ट शोबिज़। हेलो। तो हम पहले तो सीन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आखिर ये अचानक काव्या ने फैसला क्यों किया शादी का? फैसला इसलिए लिया क्योंकि कुणाल जो है करण का कातिल है, जो कि काव्या का पति है करण, और उसने हर एक चीज़ करने की कोशिश की ताकि वो उससे बदला ले पाए, उसके मुंह से खुद बुलवा पाए कि हाँ वही करण का कातिल है, पर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ये एक आखिरी जरिया है ताकि वो कुणाल के मुंह से खुद कबूले कि हाँ मैं ही कातिल हूँ करण का। तो उसे बदला लेने के लिए उसने ये शादी की है जो कि नफ़रत की शादी होने वाली है, तो इसलिए उसने हाँ कह दिया है कि उसके साथ रहकर मैं हर एक दिन उसे खून के आंसू रुलाऊंगी और अपने पति का बदला लेकर ही रहूँगी। ओके, तो जैसा हम देख रहे हैं एक और कुणाल भी कसम खा रहे हैं तो दूसरी ओर काव्या भी कसम खा रही हैं, तो अब आखिर इस जंग में किसकी जीत हो सकती है, क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा बहुत हिंट देना चाहें। अब जंग में जीत किसकी होगी ये तो मैं नहीं बता सकती, पर इस जंग को देखने के लिए मज़ा काफ़ी आने वाला है। तो काव्या क्या क्या करने वाली है, कैसे हर एक दिन उसके साथ गुजारने वाली है, कैसे वो शादी होगी, कैसे वो बदला लेगी, तो ये तो एक जर्नी है काव्या की, तो वो तो देखना पड़ेगा, अभी तो नहीं बता सकती मैं कुछ। ओके, तो जैसे कि शुरुआत ही नफरत से देखी जा रही है तो फिर आगे जो अंजाम होगा वो क्या होगा? नफरत बढ़ती जाएगी तो प्यार में नहीं बदलेगी वो, मैं नहीं बता सकती। ओके, लास्टली जाते जाते आपके ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इतना शो को देखने के लिए, प्यार देने के लिए, फीडबैक्स देने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए एंड वील गिव 100% टू एंटरटेन यू ऑल, सो थैंक यू। कौन कामयाब होगा और कौन नाकामयाब, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक जरूरी बात, एक और जरूरी बात है। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। इस शादी के लिए हामी तुमने खुद भरी, तो इस फैसले की जिम्मेदारी तुम खुद होगी। अगर कल चले कौन कामयाब होगा और कौन नाकामयाब, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मन लगा के अपना नया खेल खेलो।
शादी मुबारक। थैंक यू।